नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। सहरसा जिला रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। गोल्ड मेडलिस्ट अरबाज अंसारी की सहरसा पहुंचने पर लोगों ने बैंड बाजी के साथ किया जोरदार स्वागत। सहरसा के लाल ने दक्षिण अफ्रीका युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरबाज अंसारी सहरसा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा बैंड बाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बिहार के सहरसा निवासी अरबाज अंसारी ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीतने की सूचना जैसे ही सहरसा पहुंची तो लोग जश्न मनाने लगे। दक्षिण अफ्रीका के युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 के फाइनल में सहरसा के अरबाज ने जीत हासिल की है। अरबाज की इस उपलब्धि की सूचना जैसे ही मिली, मीरटोला में जश्न का माहौल बन गया। सहरसा के मीरटोला निवासी मोहम्मद निसार के पुत्र अरबाज 15 से 21 नवंबर तक चले इस प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहां दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में रविवार को सहरसा के लाल ने जीत का झंडा गाड़ दिया। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से वो अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, इसमें उसे कई महत्वपूर्ण सफलता भी मिल चुकी है। इससे पहले मंगलवार को युगांडा में जिस जगह अरबाज अंसारी ठहरे थे, उसके होटल के महज 100 मीटर की दूरी पर बम विस्फोट की खबर से उसके परिजन रिश्तेदार चिंतित हो गए थे। लेकिन अरबाज अंसारी ने कहा, हमारे कोच ने हौसला ध्वस्त नहीं होने दिया, हम लोग हिम्मत और लगन से मैच खेलकर अपने देश के नाम गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरबाज जी, आप युगांडा में मेडल हासिल करके अपना घर लौट रहे हैं, काफी लोग आपके इस्तकबाल में स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और जैसे ही जीत का पैगाम मिला था तब से लोग खुशी मना रहे हैं, कैसे आप लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सबका जो हमारे साथ हैं और हमारा साथ दिए हैं अभी तक। स्पेशली थैंक टू मेरे भाई अब्दुल अहद अंसारी और मेरे घर वालों जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जब वहाँ पे मैं गया था खेलने के लिए, तो एक दिन बाद टूर्नामेंट के फर्स्ट डे में हम लोग वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया था, जो कि मतलब काफ़ी मतलब कुछ प्लेयर, मैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस गेम में था, गेम खेल रहा था, मेरा मैच चल रहा था, बाकी के जो कुछ प्लेयर्स थे जो बस में बैठ ही रहे थे और कुछ प्लेयर्स होटल्स में थे, तो वो काफ़ी डर गए थे ब्लास्ट से, क्योंकि वो तकरीबन 100 मीटर्स के रेंज में ही हुआ था और काफ़ी साउंड आया था, तो उससे काफ़ी सारे प्लेयर डर गए थे। बट हम लोगों के कोच ने वहाँ पे, हेड कोच जो हैं गौरव खन्ना सर, उन्होंने सिचुएशन को संभाला और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साथ दिया। फिर डे बाय डे फिर मैच हुआ हम लोगों का, वो मैच खेलते उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, सारी भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, 47 टोटल मेडल आई। इस बार इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि आई है युगांडा पैराबैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में, और वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल रहा है, जो कि मेन्स डबल्स SL3 SL4 कैटेगरी में मैंने प्राप्त किया है। जीत हासिल किए हैं, क्या कुछ कहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए? आखिर किनका हाथ रहा जो इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंच गया? हाथ का अगर बात किया जाए तो हाथ सभी लोगों का रहा है, जो मतलब मैं देखता था कभी कभी मोबाइल, तो मुझे इतने सारे नोटिफिकेशन आते थे, मैं पर्सनली बहुत कम लोगों को मैसेज कर पाया हूँ, और उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ सबसे कि नहीं कर पा रहा हूँ सब, क्योंकि रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, मैसेज तो इतने आ रहे हैं कि मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ खुद से। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का,